हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सलमान खान की पॉपुलर शो बिग बॉस 16 में अपनी क्यूटनेस से लोगों को एंटरटेन करने वाली एक्ट्रेस टीना की लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है तनिषा दत्ता। उनका निकनेम है टिंजी। 27 नवंबर 1981 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। उनका हाइट है 5 फीट 1 इंच और उनका वेट है 55 केजी। उनकी फिगर मेजरमेंट है 34-26-36। उनकी जोडाइक साइन है सेगिटेरियस। साल 2022 में उनका रियल एज है 31। उनके हॉबीज है शॉपिंग, डांसिंग और ट्रैवलिंग। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन के बारे में। उन्होंने कोलकाता की मेघमाला रॉय एजुकेशन सेंटर से अपनी प्राइमरी स्टडीज की थी। इसके बाद उन्होंने कोलकाता की सेंट पॉल्स बोर्डिंग एंड डे स्कूल से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की है। टीना ने कोलकाता की यूनिवर्सिटी से अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने ग्रेजुएट की है। उनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक एक्ट्रेस और मॉडल है। एक्टिंग के अलावा टीना दत्ता बहुत ही अच्छी ट्रेन डांसर भी है। रियल लाइफ में टीना दत्ता को डॉग्स बेहद पसंद है। चलिए देख लेते हैं उनकी करियर। 5 साल की उम्र में सिस्टर निवेदिता टीवी शो के साथ टीना ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। इसके एक साल बाद ही टीना दत्ता बंगाली मूवी पिता माता संतान में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थी। इसके बाद वो कई फेमस बंगाली मूवीज में नजर आई थी, जैसे कि दश नंबर बारी और सागर कन्या। साल 2003 में टीना दत्ता ने बंगाली फिल्म तारुक में काम किया था। इसके बाद टीना दत्ता को ऋतुपर्ण घोष की बंगाली मूवी चोखेर बाली में ऐश्वर्या के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा गया था। साल 2005 में परिणीता मूवी में उन्होंने यंग ललिता का किरदार निभाया था। साल 2007 में उन्होंने खैला सीरियल में किया का किरदार निभाया था। साल 2008 में उन्होंने बंगाली टेलीविजन सीरियल दुर्गा में कुमकुम रॉय चौधरी का किरदार निभाया था। ठीक उसी साल टीना दत्ता ने बंगाली फिल्म चिरोदिनी तुमीजे आमार में नजर आई थी। आखिरकार साल 2009 में उन्होंने उत्तरन सीरियल के साथ हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। ठीक उसी साल वो नजर आई थी कोई आने को ही टीवी शो में। साल 2016 में फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में वो नजर आई थी, जहाँ पर वो 12th पोजिशन में ही एलिमिनेट हो गई थी। साल 2017 में कर्मफल दाता शनि में उन्होंने दामिनी का किरदार निभाया था। साल 2019 में डायन सीरियल में उन्होंने जानवी का किरदार निभाया था। साल 2022 में उन्होंने नक्शलबाड़ी वेब सीरीज में कीतकी का किरदार निभाया था। फिलहाल वो कलर्स टीवी की रियलिटी शो बिग बॉस 16 में कॉन्टेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही है। चलिए देख लेते हैं उन्हें अभी तक कितने अवार्ड मिले हैं। साल 2010 में टीना दत्ता को गिल्ड फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर। ठीक उसी साल उन्हें कलाकार अवार्ड मिला था बेस्ट न्यू फेस के तौर पर। साल 2010 में बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर टीना दत्ता को 16th लाइन गोल्ड अवार्ड दिया गया था। साल 2011 में उन्हें ऑल इंडिया अचीवर्स अवार्ड दिया गया था। साल 2013 में मोस्ट जानबाज पर्सनैलिटी के तौर पर टीना दत्ता को गोल्डन पेटल अवार्ड दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पिता का नाम है तपन कुमार दत्ता। उनका माँ का नाम है मधुमिता दत्ता। उनका एक भाई है जिनका नाम है देवराज दत्ता। उनकी बेस्ट फ्रेंड है टीवी एक्ट्रेस आस्का गोरा दिया।
उनकी लव लाइफ के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले सुनने को मिला था कि वो सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर महेश कुमार जायसवाल को डेट कर रही है। इसके बाद टीना दत्ता ने बिजनेसमैन परेश मेहता को डेट किया था। फिलहाल टीना दत्ता सिंगल है। बिग बॉस 16 में उनकी और शालिन की केमिस्ट्री को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों प्यार में हैं, लेकिन दूसरे वक्त ये भी महसूस होता है कि ये शायद शो के लिए एक दिखावा है। चलिए जान लेते हैं उनकी सैलरी के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो आपको बता दे कि बिग बॉस के हाउस में पर वीक के लिए वो 9 लाख रुपए लेती है। उनका नेट वर्थ है 24 करोड़। देख लेते हैं उनकी कार कलेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।